कृषि विधेयकों के विरोध में शुक्रवार को यहां किसान कड़े तेवर अपनाते हुए सड़क पर उतर आए। किसानों ने ततारपुर बाईपास पर धरना देकर केंद्र सरकार को ये संदेश दिया कि किसान कथित काले कानून कृषि विधेयकों को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के दोनों संगठनों और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की संयुक्त अगुवाई में हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ततारपुर बाईपास पर पहुंचे और चक्का जाम कर धरना दिया। धरना स्थल पर किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जी भरकर कोसा और कृषि विधेयकों को काला कानून बताया। धरना स्थल पर किसान अपने घर से खाना बनवा कर लाए, जिसे धरना स्थल पर वितरित किया। किसानों ने इस बात की नाराजगी जताई कि जिला प्रशासन ने किसानों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, रालोद, सपा और कई संगठन भी किसान के समर्थन में आगे आए हैं। अपर जिलाधिकारी जनात यादव और अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे और बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट किया। धरना प्रदर्शन में प्रमेंद्र सिंह ढिल्लो, ज्ञानेंद्र त्यागी, यशवीर त्यागी, धनवीर शास्त्री, रामपाल सिंह, टेनपाल सिंह, पुष्पाल सिंह सहित हजारों किसान शामिल हुए।